एकदम बढ़िया है, एकदम अच्छा बढ़िया है। और बताइए आपका कैसा चल रहा सब है? बहुत बढ़िया चल रहा है। और मैंने कहा काफी दिन से व्यस्तता की वजह से बात भी नहीं हो पाई थी। प्रदेश मानवाधिकार संगठन 10 दिसंबर को प्रयागराज में मानवाधिकार दिवस मना रहा है, तो ओके। अगर आपकी उपस्थिति होती है तो अति उत्तम होगा। नहीं, मैंने 11 तारीख को दिल्ली में कुछ कमिट किया हुआ है, तो आई विल बी देयर। हाँ अच्छा, दिल्ली रहेंगे। अच्छा, हाँ तो लौटते समय तो आइए, प्रयागराज से होते हुए जाइए, संगम स्नान करिए मैं और संगठन। वो भी नहीं हो पाएगा, अच्छा क्योंकि अच्छा क्योंकि जो है मेरे कोई एक मैरिज वगैरह है, तो आई एम कमिटेड फॉर दैट, ओके ओके तो ओके वो ओके नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके बाद में जो आप कोई आयोजन करेंगे, यदि आप समय के पहले मुझे बताएंगे, तो मैं जरूर वो डेट आपके लिए रिजर्व करूंगा, जी, ठीक है। है और ना। आप बढ़िया हैं, आप बढ़िया हैं। मैं तो संकल्प ले लिया हूं कि 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करूंगा, वन बिल्कुल एंड ऑल, होगा जी जी बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल ये जो होगा। है मानव अधिकार आयोग कुछ नहीं करेगा, ये सब बेकार की बकवास है। इनके हाँ ना इनके दांत हैं, ना इनकी सोच है, और ये सभी जो है ना इन दुष्ट राजनेताओं के चरण सेवक हैं, ये क्या किसका भला करेंगे। नहीं, ये बताइए ना, मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात पूछ रहा हूं कि किसी भी देश, गुलाम देश में जब वो आजाद होता है, तो गुलामों के नियम कानून उसके ऊपर थोपे रहते हैं। हम कैसे भारतीय हैं जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, और हमारी विद्वत्ता घास लेने गई है कि आजादी के 75 वर्ष के बाद भी आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे गए हैं, और हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, और ये दुष्ट राजनेता ये भी नहीं बताते हैं कि हमने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। और हम तो ये कह रहे हैं, जो राजनेता है साला, इनकी सोच क्या है, इनकी शिक्षा क्या है, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव होने ही क्यों चाहिए? ये क्या बिल्कुल इस लायक है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए? कोई टैक्सी बिल्कुल वाला है, वो मुख्यमंत्री बना हुआ है, एक हाँ मुख्यमंत्री, टैक्सी वाला मुख्यमंत्री भारत जैसे जो है ना विद्वान देश के लिए, ये टैक्सी वाले ही जो है ना इस देश को चलाएंगे। नहीं, सही कह रहे हैं आप। और ये जो विद्वान लोग जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, इनको हाँ, शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है कि ये इन राजनेताओं के और इस सत्ता के जो है ना चरण सेवक बने हुए हैं। नहीं, आपकी बात एकदम जो है, जो पुराने कानून है जो गुलामी के की हमें याद भी दिलाते हैं, और उसमें सबसे पहला जैसे अगर हम बात करें, बहुत उसमें पुलिस एक्ट की अगर हम बात करें, तो इसमें सारी चीजें देखिए एकदम भाई उन्हीं की है, उन भाई गुलामी के समय की चीजें हैं। जैसे आप देखते, आप तो, आपको बताने की जरूरत ही नहीं, आप तो सारी चीज देखते रहे होंगे कि अंग्रेजों ने कर क्या रखा था। जो सबसे मिनिमम हल्के फुल्के जो चीजें होती थी, जैसे किसी ने खाने के लिए चोरी कर ली, किसी ने किसके लिए, उसके लिए सजा बहुत बड़ी बनाते थे। क्यों? क्योंकि वो आम इंडियंस करता था, कोई बिल्कुल ठीक कह अंग्रेज रहे हैं। और आके जो गाड़ी गाड़ी अंग्रेज चला आके के यहाँ किसी की पर मर्डर कर जी दे, उसको जो है ना जमानती 304A। जी 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 और मतलब इतना, इतने लूप होल दे रखे हैं उसमें कि आदमी कहता है अरे हम तो बच जाएंगे, हमारे पास पैसा है, हमारे पास रसूख है, आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम द व्हाइट कॉलर, हम तो व्हाइट कॉलर से बिलोंग करते हैं, हम सब मैनेज कर लेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कितनी दुष्ट व्यवस्था है कि 30 साल, 34 साल, 35 साल में आपको न्याय नहीं दे पाती है, और एग्जैक्टली ये जो दुष्ट जो जज हैं, उन्हें लज्जा और शर्म नहीं आती है कि देखिए उन्होंने, राष्ट्रपति जैसे जैसे महोदय, जैसे म्यूजिक के घराने होते हैं, इन दुष्टों ने अपने घराने चालू कर दिए हैं, और यदि कोई व्यक्ति इस घराने में घुसने में सफल हो जाता, तो उसका एक घराना और चालू हो जाता है। चालू हो जाता है, राइट। राष्ट्रपति महोदया ने इस बात को उठा दिया है, राष्ट्रपति महोदया ने यार, सिर्फ इस उठाने बात को उठाने उठाई। से कुछ नहीं होने वाला है। यदि ये व्यवस्था जो है इन राजनेताओं के हाथ में चली जाएगी, तो ये आरएसएस वालों को जज बना देंगे सभी को। अच्छा, ये तो जो है ना इन राजघरानों से भी ज्यादा दुष्ट लोग रहेंगे। आज ये बताइए, एग्जैक्टली, इस भाजपा ने महत्वपूर्ण पदों पे सब में आरएसएस वालों को बिठा दिया है, मेरिटोक्रेसी की साली ऐसी तैसी करके रख दी है, कितनी दुष्टता है भाई जी सर, संरक्षक जी, मैं आपसे माफी चाहूंगा। मैं भाई। कहीं मैं पर हूँ, लेकिन घर पहुंच के, घर अरविंद जी, पहुंच मैं के आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो आप कर रहे हैं अच्छा है, करते रहिए। क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप के माध्यम से जुड़ के चंद्रगुप्त बनिए। 2024 में ये चंद्रगुप्त जो है सभी को पराजित करेंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है और संकल्प भी है। आई विल टॉक टू यू, जब मैं घर पहुंचता हूँ तो मैं आपसे फिर बात करता हूँ। जरूर जरूर जरूर। ओके, थैंक यू चलिए, थैंक यू जय थैंक हिंद, जय यू भारत, थैंक यू, वंदे टेक केयर। मातरम।